बारह बरस से राजा की फुलवारी सूखा सभी फूल था, आज देख रहा हूँ बहुत हरा भरा फूल दिखाई देता। अच्छा को तो बात है, अच्छा को बात है, कुछ इस में क्या कयामत है। अरे चलो दोनों आदमी मिलकर फूल तोड़कर महाराज के पास ले जाओ। पहले तू तोड़ो। नहीं पहले तू तोड़ो, नहीं पहले तू तोड़ो। मैं जा रहा फिर लिया तो लिया। बहुत देखने में फूल ये अच्छा लगता है। अरे बिजली सिपाही कभी फूल नीचे आता है, कभी फूल ऊपर चला जाता है। पूर्वा पथिया बाबा। अच्छा इसीलिए ना। अरे अभी आना फूल आ रे। अरे जुलमी रसी पहिया के फूल गाली देता है, कहता है ऐ जुलमी सिपाही साला यहाँ तुम लौट कर चले जाओ, ये फूल तुमसे नहीं टूट सकता है। तोर माथा खराब छ फूल का गैर बन के ना तो फूल गैर दे छ। हम तोरिए ले, हम तोर लिए, तोर लिए एक बित्ता भर लिए, दो बित्ता चल गए, फिर देखा छी एक बेरा रो हमरा से नहीं होता ये हमरा बाप से होबे नहीं करता। उसी टाइम में मैं कहा था अरे बिजली सिपाही फूल नहीं टूटने वाला है, तो तू कहता है मैं तोड़ लूंगा, तो तोड़ कर देखा फूल की कह रहे जाने छो। बिजली दुश्मन तोरा से नहीं टूटबो, ठीक है मैं सारे घर पा रही छी। इस समय चलो महाराज के पास और महाराज को जाकर सारे बात कह कह दूंगा। आ चलिए का चलिए रे बिजली, हम चल ली रे रा
महाराज की जय हो। सीधा चल में सिपाही बताओ क्या बगीचे से फूल तोड़ के लाए हो? महाराज मैं और बिजली सिपाही गया था अपना फुलवारी फूल तोड़ने के लिए। फूल ने वो आवाज देता है और मुझे कहता है जुल्मी सिपाही तू मेरा दुश्मन है, तू यहाँ से वापस लौट कर चले जाओ। बहुत गाली मुझे दिया है वो फूल। महाराज बहुत अस्मुद की बात लगता है। बिजली सिपाही से भी पूछिए राजन में सिपाही राय सुबह सुबह भांग पी लिया है क्या रे? फूल कहीं बात करता है राय मटका सिपाही। जी महाराज इधर कहिए महाराज। ये बताओ जी जब फूल तोड़ने के लिए गया तो फूल क्या बोल रहा था? कहता हरामी चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे हाथ से नहीं टूटूंगा, चले जाओ तुम तो अगला हो। वो फूल तुमको दोगला कह रहा था रे? तो, ये हमें बिलीव नहीं हो रहा है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि फूल से भी आवाज निकलती है। बोले नहीं विश्वास है ना महाराज, तो हम भी चलते हैं, बिजली जाता है आप भी चलिए और फूल थोड़ा तोड़ लीजिएगा। मौजी वाली ने बोला ले ले सब आराम कर रहे छे देखे छे। अरे बिजली सिपाही महारानी और के लेके चल। हां ठीक छे बोलो मोटका सिपाही जा छब महारानी को बुला के लाओ। क्यों नहीं आए महाराज अर्जुन सिंह सभी जाएंगे फूल को तोड़ने के। क्यों नहीं महाराज राय मोटका सिपाही जा महारानी के बुला के लाओ। ठीक है महाराज महाराज मटका सिपाही गया है महारानी को बुलाने के लिए। देवी मैया महारानी महाराज याद किया है। महाराज मुझे बुला रहे हैं। हाँ क्योंकि सुबह हो गया है महाराज याद किया है महारानी। चलो क्यों नहीं सब मालिका ने पिच कॉल दे छो छोगो में से तो ये छो करे दे के बता बरकियो तुम रे चलो महाराज से हम
दोनों बहन मुलाकात करेंगे। महाराज की जय हो। जी महारानी। हाँ स्वामीनाथ। सुना बोलिए। खाना खाई है कि नहीं? सुबह सुबह में कोई खाना आज बहुत हलचल मचाए हैं, क्या बात है। आज जुलमी सिपाही को मैंने भेजा अपनी बगीचा, जुलमी सिपाही इनका कहना है जो फूल ये तोड़ने के लिए जा रहे थे, हाँ वो फूल से आवाज निकलता है। फूल से आवाज? हाँ महारानी। हम लोग और बिजली को कहा भरुआ चोर। अरे खाली देता है फूल। मोटका सिपाही, मोटका सिपाही, मोटका सिपाही पछुआ जाता है। महारानी ये मोटका सिपाही से पूछो आपको क्या बोल। फूल गाल कह के हमको नहीं लगता है स्वामीनाथ। पागल है तो कहीं फूल से आवाज आता है? आप ही बताइए दीदी साहब, फूल से आवाज आती है नहीं ना? झूठ बोलता है। बड़ी महाराज, महाराज बात क्या है? सुना बताइए। आज चलो आज हम भी देखे कैसा फूल है जो फूल से आवाज निकलती है। थोड़ा हम भी देखे। तुम भी आप क्या हो? जुर्मी बताए, आप बगीचा नहीं गए? हाँ जुर्मी सिपाही बोला है, पूछ लो। महाराज बगीचा नहीं गया? नहीं महाराज तो नहीं गया। मैं कहा कि महाराज महारानियों को साथ लेकर चलो छोगो महारानी को, इसीलिए बोला गया है महारानी। चलिए ना, चलिए हम सब मिलकर के जाते हैं। आए है चला के जो देख रहे हैं ना, यही फूल है। कभी नीचा आता है कभी ऊपर हो जाता है महाराज।
देखिए वो फूल कैसा अजीब तरीका का फूल है महाराज। कभी तेज से हवा बहती है तो फूल ऊपर चली जाती है, कभी हवा रस हो जाती है मधुर बनने लगती है तो फूल नीचे चली जाती है, उसमें क्या लगा है? अरे भाई किसी से नहीं टूटेगा, तू तो सबसे मैं तो तोड़ दूंगी। पहले महाराज की बोलिए, महाराज तोड़ के लाएंगे, यदि उनसे नहीं होगा तब हम तो सब बन जाएंगे। महाराज यही फूल है हमारा। अरे ये फूल कौन है? ये तो हवा में डोलती है, जाकर के झट से तोड़ के ले आइए और इस फूल तोड़ करके बाबा भोले के मंदिर में पूजा करना है। जाइए महाराज। रनमा पगली जादू पहनरे देता, पकड़ा क्या पकड़ा रब जाली, छोटकी रे रनिया के बबुआ। खैर जब हरनी आई सोनापुर नगरी से तुम्हारे लेने के लिए आया है, चलो महारानी चलो। तेरे साथ जाओगे फिर तो मुझे मारोगे, कोई कोई नहीं मारेगा, मैं नहीं जाएगा, नहीं मारेगा महारानी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। चलो महारानी मारोगे, चलो महारानी तुम्हें खाना खिलाऊंगा महारानी। बेटा अब क्या करोगे मुझे? मार पीट के तेरे मालिक साहब ने मुझे भगा दिए। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा महारानी, महाराज ने बुलाया है। जो महारानी बारह वर्ष से कहाँ पे है नहीं है उसे जाकर पता लगाओ। मैं इसीलिए पता लगाने के लिए आया था महारानी, लेकिन तूने मिल गया। चलो भोजन भाव कर लेना, अपन लाया लाया वस्त्र पहनना, ये भेष हटा कर रखो महारानी। फिर मालिक साहब बुला के मुझे पिटाई करेंगे? नहीं कोई ना पिटाई करेगा महारानी, मैं वो अरिक से लेता हूँ, यदि पिटाई करेगा तो हम और मोटका सिपाही बचाऊंगा। चलो कहते तुम्हें तेरी साथ सुनती हूँ, चलो मोटका सिपाही। महाराज की जय हो। जल में सिपाही बैठा बैठा। महाराज मैंने महारानी को पकड़ के ले आया हूँ। महाराज जब महारानी को भूख लगता था तो पीपल की पत्ता खा रहा था महाराज। क्या? हाँ हाँ महाराज, पीपल की पत्ता जब उसको भूख लगता था महाराज तो पीपल की पत्ता तोड़ तोड़ कर महारानी खा रहा था महाराज। मैंने ले आया हूँ और मोटका सिपाही है मैं भी हूँ। Thank you.
कि मैंने अपने ही हाथों से तुझे इस मैंने तुझे इस पिटाई किया, फिर भी तू मुझे प्रणाम कर रही है। महाराज सारी गलती को माफ कर दे, मैं तेरे पाप पर हमारा नहीं। स्वामी जी जंगल में मुझे बहुत मन लगता है, क्या बात है, किस लिए बुलाए? कैसे मैं फिर चल जाऊंगी, कौवा को हाकूंगी, हे किस लिए बुलाए? अब मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आज जुल्मी सिपाही को मैंने फूल तोड़ने के लिए बगीचा भेजा। उस बगीचे में एक फूल से आवाज निकल रही है, कोई भी उस फूल को तोड़ने के लिए जाता है तो फूल से आवाज आता है, एक पापे मैं तेरे हाथों से ये फूल टूटने वाला नहीं हूँ, जब ये फूल टूटेगा तो मैं अपनी माँ के हाथों से। इसलिए महारानी आज तुम्हें बुलाया हूँ, जरा तुम देखो उस फूल को तोड़, क्या पता तेरे हाथों से ये फूल टूट जाए। ठीक है स्वामी जी, आता तो हरे रे घर बार यही नंबर।